ये तो रावण सरकार है जी। अब बंदर सेना कहना राम लेगन के पीछे पड़ गया, हमारे चौधरी साहब टिकैत जी, अब ये तो श्रीलंका को नष्ट करके हटेंगे। सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया तो हमने तो स्टैंड क्लियर कर रखा, जब तक किसान ये बिल वापसी नहीं कराएंगे घर नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता तो यही है सर, रास्ता बातचीत से निकलता है हमेशा। हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास गांधी जी का हथियार है, हम गांधीगिरी से बैठे हुए यहाँ कानूनी दायरे में। सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया तो हमने तो स्टैंड क्लियर कर रखा, जब तक किसान ये बिल वापसी नहीं कराएंगे घर नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता तो यही है सर, रास्ता बातचीत से निकलता है हमेशा। हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास गांधी जी का हथियार है, हम गांधीगिरी से बैठे हुए यहाँ कानूनी दायरे में। तो सरकार पर नहीं फर्क पड़ रहा, हमारे पर कौन सा फर्क पड़ रहा, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े अपना यहाँ। 550 ज्यादा किसान शहीद हो गए, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। सरकार ने कोई करा उनके लिए शोक व्यक्त करा हो या कुछ करा हो उनके लिए? तो सरकार तो बहुत बेरहम सरकार होगी यार। जैसे बंगाल चुनाव में ऐसा सबक सिखाया, ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश चुनाव में सबक सिखावेंगे सर। पूरा मन बना लिया है? पूरा मन बना लिया, पूरा सरकार जाएगी बिल्कुल भाजपा को हराने के लिए। हम किसी भी हद तक जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव वर्करी करेंगे, भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहेंगे। पूरा मन बना लिया। अब तो किसानों की बारी ठीक करने की, अब तो किसान ठीक करेंगे सरकार ने भाई। कहीं नहीं जीतते हैं, कहीं नहीं, अब के देख लियो क्या हाल होने वाला है। 100+ भी नहीं जीतते हैं ये। बीजेपी हरानी है, बीजेपी हरानी, उसके हराने के लिए किसी से भी देंगे, जो जीतता होगा उसी से वोट देंगे। जो जीतता होगा हाँ बिल्कुल उसी से वोट देंगे, बीजेपी के हराने के लिए, बीजेपी को हराने बिल्कुल। ये सरकार तो आज तक कोई सरकार आई नहीं, इससे तो सारी ठीक रही। यू काम अच्छा ही नहीं है, किसानों की जनरल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या करते हैं कि बार बार और ने तो अजमाओ, बार बार हम अजमा लो, एक बार एक ही बार में ठीक कर देंगे। तुम किसानों ने तो कर दिया ने ठीक, दो बार अजमा लिया आपने तो किसान तो कर दिया ना ने ठीक। सरकार बोले MSP जारी रखेंगे। MSP जारी रखने का मतलब क्या हो गया? हमारा धान का रेट देखना क्या होता है, पिछले साल क्या हुआ, धान की दुर्गति हमें पता है सर। अब हरियाणा वाले जो आड़ती हैं सीधा बोले भाई साहब आप किसान हमारे भरोसे धान मत लगाइए, अब मंडी में धान न जाएंगे तो क्या सड़कों पे डाल लेंगे अपने धान। कृषि मंत्री तो कठपुतली है सर, कृषि मंत्री के पास का तो कुछ नहीं। अमित शाह प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी कठपुतली है, अगर उनके पास अपने किसानों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है तो किस प्रकार के कृषि मंत्री है वो तो कठपुतली है। नतीजे नहीं लिख रहा कौन सा, हम घर जाने वाले हैं, हम भी यही है। साथ के बीच है, 24 महीने हो जा, 36 महीने हो जा, जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे तेवर वहीं पहले वाले हैं जो शुरू के महीने थे, 26 नवंबर को वहीं आ जाए हमारे तेवर। रास्ता बंगाल में कैसे निकला जी? जैसे बंगाल में निकला नहीं, उससे अच्छा रास्ता निकलेगा यहाँ पे। बंगाल में किसानों ने हराई बीजेपी? हाँ बिल्कुल हराई, किसानों ने हराई। सरकार थी बीजेपी की बंगाल में? नहीं सरकार थी तो नहीं, पर लेकिन ये तो जाना मतलब दावा तो कर रहे थे। दावा तो हर पार्टी तो दावा तो अब कभी जाना यहाँ भी दिख जाएगा, जाना आप भी देखियो, हम भी जीते रहे तो बिल्कुल देखेंगे, यहाँ भी दावा जाना इनका वो सही रहेगा, उससे भी अच्छा बेहतर। सर अप्रैल के पहले मंथ में गेहूँ कट जाते हैं, अब हमारे गेहूं की नहीं दुर्गति हो रखी है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं किसी क्रय केंद्र पे जाए, 80% क्रय केंद्र बंद हो चुके हैं। राकेश टिकैत जी ने एक ट्वीट किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तब जाके उन्होंने 10 दिन क्रय केंद्र के बढ़ाए, वो भी 20% क्रय केंद्र चल रहे हैं। 2 महीने होने को आ गई, गेहूँ की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रखी है। हम तो जब भी सरकार को न्योता मिला बात करने के लिए गए, हम तो चाहते हैं कि जो भी बात होती है खुले मन से सबको दिखाए, लाइव प्रसारण करें उसका, क्यों नहीं कर सकते हैं, बंद कमरों में क्या बात करते हैं। अनिश्चितकालीन है सर, कोई प्लान नहीं है हमारा, प्लान यही है बैठेंगे जब तक धरना जारी रहेगा, तब तक जब तक हमारा कानून वापसी नहीं होते, 3 काले कानून हैं, हम जारी रखेंगे अपना धरना। 2024 तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा जी, जारी रहेगा। सरकार तो टस से मस होना पड़ेगा, 2024 में किसान सरकार को अपने घर बैठाएगा जब ही वापसी होगा, उधर सरकार कोई भी बने। इतनी किसान के विरोधी नहीं हुई जितनी बीजेपी हुई, हर रोज किसानों के क्या आम पब्लिक के आम जनता के अच्छे दिन आ रहे, रोज तेल पे पैसे बढ़ जाए, तीसरे दिन गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ जाते हैं, हर रोज हमें अच्छे दिन देखने को मिल रहे। हम तो इसके सरकार के बुरे दिन 2024 में देखने के बाद ही घर वापसी होंगे जी।
किसको रोजगार मिल रहा, किसको सब्सिडी गैस सिलेंडर 300 में मिलता था जब ये नंगे हुए का विरोध करते थे कि सरकार ने गैस बहुत महंगी कर दी, कपड़े उतार दिए। आज वो 900 में 1000 में सिलेंडर मिलता है, आज इनको किसी को कुछ खबर नहीं है। आम आदमी कहाँ से बढ़ेगी जब रोजगार ही नहीं है, जब रोजगार ही बंद हो चुके। अब देखो लॉकडाउन में ने के क्या नाम ले, फीस स्कूल भी नहीं लगने की, बच्चों की किराया नहीं दे, जो लोग किराए से रह रहे थे, और बिजली का बिल जो हमने वो क्या रजिस्ट्रेशन कराया था 3 महीने तक किस्त नहीं दे पाए, दोबारा हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होएगा, फिर हमारे पर दोबारा वही चार्ज लग गया। तो इन्हें तो पब्लिक जो है ना जी खुदकुशी करने में मजबूर कर दी। इससे गंदी सरकार तो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ कोई आज तक आई ना हो ना जी, अच्छे नहीं है जो पब्लिक के लिए अच्छे नहीं है, तो हम कहें कि अच्छे हैं वो। अच्छा जी पर सर्वे तो कह रहा है कि अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग है। नहीं नहीं नहीं, कोई सर्वे नहीं कह रहा जी, बीजेपी ने आर एस ने खुद सर्वे करवाए, 70 सीट से ज़्यादा नहीं बता रहे खुद अपनी सीट। अजीब दूसरे करेंगे सर्वे ईमानदारी था वो जीरो बटा जीरो भी लगे। कहाँ यूपी के बीजेपी का क्या असर हुआ पंचायत चुनाव में? गाँव से वोट निकलता है, 80% आबादी अपनी गाँव में निवास करती है। अब क्या आपको रिजल्ट मिले? बिल्कुल नहीं बटेंगे सर, यहाँ किसी बिरादरी खड़े किसान है, सबके सर पे एक टोपी है, सबका एक नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान खेती करते हैं सर, सबसे ज़्यादा वोट परसेंट किसानों का है। हम 100% वोट जितने भी हैं हमारे पूरी विधानसभा क्षेत्र जितने भी हैं सब पे प्रभाव पड़ेगा हमारा।